खाएंगे, तो ये एक अच्छी बात होगी। एक और कॉलर है हमारे साथ, सुनते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर मैडम? रहे हैं? पुरम शहजाद बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा मैडम, अभी आपने बहुत अच्छा मुझे कहा कि अभी आप जो बता रही थी सारे के सारे कि अगर पकौड़े खा ले तो ये चीज हो जाए जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग इफ्तारी जो हम लोग जो करते हैं वो हेवी करें, या तो फिर हम बिल्कुल हम यानी कि थोड़ा इफ्तारी करने के बाद नमाज पढ़ लेते हैं जी 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 ठीक है ना, उसके बाद हम हेवी खाना खा लेते हैं, तब भी हम लोगों को बदहजमी तो रहती रहती है, राइट? ठीक है ना, एसिडिटी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो फिर हम उसके अंदर क्या चीज करें? पेट भी हमारा वो चीज नहीं होती, फिर नमाज भी हमारे को पढ़नी होती है, सही। तो इसके लिए हम क्या चीज ऐसी डॉक्टर साहब हम चीज करें कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हल हो जाए, या तो हम जो शेरी है उसके अंदर भी अपने क्या नाम है खाने का रूटीन में थोड़ा सा चेंज करें, या फिर इफ्तारी के अंदर भी थोड़ा सा रूटीन चेंज करें, सही? क्या करें? खुर्रम एज बताएंगे अपनी प्लीज? मेरी 38 है। ठीक है खुर्रम, आप हमें टीवी पर देख रहे हैं जी, हमारे साथ ही रहिएगा प्लीज़ जी। खुर्रम यही मैं बात कर रही थी कि अगर आप थोड़ा थोड़ा सा खाना खाएंगे तो वो बहुत अच्छा होता है, बजाय इसके कि एक साथ खाना। उसके अलावा भी अगर आपके जो है वो ये बदहजमी का प्रॉब्लम होता है तो देखिए कुछ और तरीक़े हैं जिससे ये बदहजमी के प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। एक तो ये बात है कि आप जो है ना वो खाने के बाद फ़ौरन लेटे नहीं, क्योंकि देखिए एक आम बात होती है कि जब आप बहुत देर भूखे रहते हैं और फिर एक साथ बहुत सारा खाना खाते हैं तो एकदम से नींद आनी शुरू हो जाती है ना, और हमें ऐसा होता है कि 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा जो है ना वो लेट जाएं। अगर आप बिल्कुल खाने के बाद फ्लैट लेट जाएंगे तो होता यह है कि खाना मुंह की तरफ आता है, तो बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी सी खाने के बाद जो है वो चहलकदमी की जाए, चाहे वो 10 मिनट हो 15 मिनट हो जैसे भी हो। बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, ये भी एक बहुत ही हाजमे के लिए, बाकी और भी बहुत सारे मसले पता ही है हमें स्मोकिंग से होते हैं, स्मोकिंग है, टोबैको है, आजकल गुटखा बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, गुटखा बहुत सारे लोग खाते हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मुनशियात की चीज़ें ली जाती हैं, तो ये प्लीज़ अवॉइड करें। वैसे ही रमज़ान का महीना है, शायद ये वही महीना है जिसमें हमें डिसाइड करना चाहिए कि कोई अपने अंदर एक चेंज लाएंगे, है ना। परहेजगारी की जब हम बात करते हैं तो एक चेंज, अच्छा चेंज लाने की भी हम साथ में बात करते हैं, तो एक तो ये चीज़ों से जो है वो बिल्कुल गुरेज़ करें और आगे भी सोचें कि इस महीने भी नहीं लेंगे और आगे भी नहीं लेंगे। तो खाने की अगर हम बात करें तो शॉर्ट मील्स लेना, छोटे से मील्स लेना, फ्रीक्वेंसी मील्स की बढ़ाना, फौरी तौर पर सोना नहीं, और एकदम से बहुत सारा पानी भी पीने की ज़रूरत नहीं है, यानी ऐसा ना करें कि पेट जो है ना वो 4 ग्लास पानी से भर लें, पानी भी थोड़ा थोड़ा सा पीना अच्छा होता है। इसके अलावा एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा वैल्यू है बदहजमी में। रमज़ान में मैं समझती हूँ कि टाइम कुछ इस तरह एडजस्ट नहीं हो पाता कि हमें शाम के बाद जो है वो टाइम मिले, लेकिन सुबह के वक्त तो हम फजर के बाद टाइम मिल सकता है हमें, सहरी के बाद अगर हम थोड़ी देर सो जाते हैं उसके बाद जब उठते हैं तो थोड़ा सा हमारे पास टाइम होता है कि उस वक्त जो है वो हम थोड़ा घर में ही चल लें अगर बाहर नहीं निकलते तो ये चीज़ें जो है ना वो बदहजमी के हवाले से बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा आम दवाएं भी अवेलेबल हैं जिसके बारे में मैं बात करती हूं कुछ देर में। एक कॉलर और है हमारे साथ, सलाम अलैकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, असगर बात कर रहा हूं कराची से। जी असगर बताइए क्या पूछना चाहते हैं। आपका प्रोग्राम देख रहा था तो एक प्रॉब्लम थी तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं। रोजे रखते रखते तकरीबन 10-15 दिन रोजे रखे तो उसके बाद लीवर में पेन हुआ है कुछ। लीवर में कहाँ पेन हुआ है बताइए, अगर मुझे आप बताएं, राइट साइड पर है, लेफ्ट पर है, पेट के ऊपर है? लीवर में सेंटर से लेकर राइट साइड की तरफ। ओके, ठीक है ठीक है। तो और वो पेन हुआ है काफी शदीद। ओके, तो फिर उसके बाद मेडिसिन वगैरह ली है, डॉक्टर से रब्ता किया तो डॉक्टर ने बताया कि ये एसिडिटी का पेन भी है और बाकी प्रॉब्लम भी है, फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो उसमें जो है वो स्टोन कहाँ आए? गॉल ब्लैडर में स्टोन आए। ओके ठीक है, फिर तो मुझे ये बताइए ये जो दर्द आपको हो रहा है ये एकदम से उठा और बुखार के साथ उल्टी के साथ आया, या ये ऐसे शिद्दत इसकी दरमियाना सी शिद्दत थी? नहीं नहीं, शिद्दत काफी ज्यादा थी, बुखार के साथ उठा है और उल्टी भी आई थी इसमें। अच्छा, और फिर ये कितने दिन दर्द रहा आपको? तकरीबन 1 दिन रहा है काफी शिद्दत के साथ। ओके ठीक है असगर, मैं इस बारे में बात करती हूँ, आप टीवी पे हमें देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल जी, प्लीज़ देखते रहिएगा। बहुत अच्छा पॉइंट असगर ने बात की है और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। एक और कॉलर है हम ले लेते हैं और असगर आपके सवाल को हम यहीं पर रोकते हैं और जवाब देंगे इसका ज़रूर। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं?
जी, मैं माजिद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी माजिद, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी, मैं पूछना यही चाहता हूँ कि ये जो है ना, मेरे मैदे में हर टाइम बहुत ज्यादा जलन हो रही है। ओके। मैं पानी भी ज्यादा पी हूँ, जो भी करूँ या खाना तो ज्यादा खा ही नहीं सकता हूँ मैं। खासकर मुझे रोजों में यही प्रॉब्लम आया हुआ है। अच्छा, रोजों में ज्यादा मसला हो गया है आपको। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा हो गया। मैं तो चाय शाय पीने, गर्म चीजें भी मैं नहीं खाता हूँ, फिर भी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मैदे की। सही माजिद, एज बताएंगे अपनी। इस तरह बंदे को इस तरह फील होता है कि यानी दिल जल रहा है, हालांकि तो मैदा जल रहा है। अच्छा ठीक है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ये इसी तरह का दर्द होता है। इसको कहते भी हैं हम हार्ट बर्न, और ये यही होता है कि दिल जल रहा है, ऐसे ही लगता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं माजिद। एज बताएंगे प्लीज मुझे अपनी। तकरीबन 23 ईयर्स। ओके राइट माजिद, आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। पहले मैं असगर के सवाल का जवाब दे दूं। देखिए असगर साहब, आप ये जो दर्द बता रहे हैं ना, ये आपने ये भी कहा कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स निकले, और जिस तरह का आपने दर्द बताया ये एकदम से हुआ, उल्टी के साथ आया, बुखार के साथ आया, ये मैदे का दर्द मुझे नहीं लग रहा है। शायद आपके डॉक्टर ने आपको सही गाइड किया है कि उन्होंने कहा है कि ये लिवर की तरफ से आ रहा है, यानी कि ये गॉल ब्लैडर का ये दर्द आपको लग रहा है, हुआ है। और अगर स्टोन्स हों किसी को, देखिए स्टोन्स बहुत सारे लोगों को होते हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन, जो मिडिल एज ख़वातीन होती हैं, उनको गॉल ब्लैडर में पित्ते में स्टोन होना ये एक आम बात है। लेकिन वो स्टोन अगर तंग नहीं कर रहा तो उसको हम नहीं छेड़ते, उसको हम सर्जरी नहीं करते। लेकिन अगर वो इस तरीके की आपको अलामतें होती हैं जिसमें कि उल्टी आती है और बुखार तेज़ चढ़ता है, तो फिर उसका अल्ट्रासाउंड में भी अगर आया है तो एक दफ़ा आपको सर्जन के पास जाके अपना ये डिस्कस करना चाहिए मसला कि आपको ये प्रॉब्लम आया था, क्योंकि हो सकता है कि ये गॉल ब्लैडर का पेन हो और गॉल ब्लैडर निकालने की ज़रूरत हो। एक और कॉलर है हमारे साथ माजिद, आपके सवाल का भी मैं जवाब दूंगी। कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, कुछ टिप्स मैंने बताई हैं, और फर्दर मैं आपको टिप्स बताऊंगी जिससे आपको और आपके मसले में जो है वो उसका हल तलाश कर सकेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सलाम मैडम, मैं रऊफ बात कर रहा हूँ। जी रऊफ, थोड़ा सा प्लीज़ ज़ोर से बात करेंगे। मैडम मेरी तबीयत ठीक नहीं है जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि मैं वैसे तो शहरी में बहुत शहरी और अफ्तारी में कम खाता हूँ, लेकिन उसकी वजह से भी मेरे जो है आजकल लूज मोशन मुझे हो रहा है, और बदहजमी मुझे बहुत रह रही है। ओके। और सर में भी दर्द होने लगी है। ओके। उसकी वजह से मेरे को जो है 2 ड्रिपें भी लग चुकी हैं अभी तक। ओके। उल्टी होती है आपको? उल्टी होती है? नहीं, उल्टी नहीं होती है, लेकिन मेरे को लूज मोशन मैडम बहुत है। ओके ठीक है रऊफ, ये लूज मोशंस क्या आपको नींद में से उठ के होते हैं या आमतौर पे सुबह के वक्त ही हो जाते हैं? मैडम कभी तो ऐसा होता है कि पूरी पूरी रात होते हैं। ओके। और कभी ऐसा होता है कि सुबह थोड़ा सा हुआ फिर रुक गया, फिर थोड़ा शाम में कभी ऐसा हो जाता है। ओके। खाने के बाद ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है? जी खाने के बाद तो बहुत आफत हो जाती है मेरे लिए कि फिर जो है मैं खाना इस वजह से ही कम बहुत कम खाता हूं खाना भी मैं। और एज क्या है आपकी? मैडम मेरी एज है 29। ओके ठीक है। तो रऊफ साहब और माजिद साहब दोनों के मसले का जवाब देते हैं। एक तो माजिद साहब, ये जो जलन होती है सीने में ना, जो मैं चीज़ें आपको बता रही थी, जो बदहजमी के लिए जो हल बता रही थी, आपको यही सारी चीज़ें करनी चाहिए। कोशिश करें सहरी में अगर आप दूध का इस्तेमाल करें या दही का इस्तेमाल करें तो ये बेहतर होगा। और जो मैंने चीज़ें बताई कि थोड़ा सा वॉक करना, फौरी तौर पर सोना नहीं, अगर आप लेटते भी हैं तो सर के नीचे 2 तकिए अगर रख कर लेटेंगे, थोड़े से सॉफ्ट अगर पिलोज होंगे तो सर हेड एंड जो है वो आपका थोड़ा सा अगर रेज्ड होगा तो उसमें आपको फायदा होगा और ये जलन नहीं होगी। आम दवाएं अवेलेबल हैं मार्केट में, आप जाएंगे कहीं पे भी, आप मेडिकल स्टोर पे कहेंगे कि मुझे एसिडिटी की दवाएं चाहिए, वो आपको एक शरबत देंगे, वो आप शरबत यूज़ कर सकते हैं, उसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। आप एक शॉर्ट टर्म के लिए 1 वीक 2 वीक्स के लिए वो यूज़ करके देख सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा हो जाता है। इन्फेक्शन हो तो फिर उसके लिए आपको ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं, और या फिर आगे अगर नहीं मसला हल हो तो एंडोस्कोपी, जिसमें मुँह के ज़रिए ट्यूब डाल के अंदर देखी जाती है, ये सब चीज़ें भी अवेलेबल हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कौन है? वालेकुम अस्सलाम। जी नाम बताएंगे प्लीज अपना। वली। वली जी, वली बताइए क्या कहना चाहते हैं? मेरे जैसे ही अफ्तारी करता हूँ तो गैस पैदा हो जाती है ना, डिकार आते हैं। ठीक। हालांकि बहुत कम अफ्तारी में करता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद मैं खाना भी नहीं खाता, रात को फिर लेटा नहीं जाता, मतलब मेरे पेट में बहुत किस्म की सूजन महसूस होती है ना। राइट। तो मैंने मेडिसिन भी यूज की है लेकिन कोई फर्क खास महसूस नहीं है। अगर जिस दिन तक मेडिसिन यूज करो तो फर्क है, मेडिसिन छोड़ दो तो बस उसके बाद फिर दर्द महसूस होता है।
तो आप रहनमाई फरमा दें और मेडिसिन भी कुछ अगर आप बेहतर बता सकते हैं बता दें। आप मुझे अपनी एज बता सकते हैं प्लीज? मेरी एज 31 है। 31 ईयर्स है, ठीक है। वली साहब और माजिद साहब जो मसला बता रहे थे, देखिए दोनों के लिए मेडिसिंस जैसे मैंने कहा है कि ये ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं ये मेडिसिंस। इसके अलावा जो है वो ओमीप्रिजोल, जो कि जेनरिक नेम मैं आपको बता रही हूँ, मैं ट्रेड नेम नहीं बता रही, ये जेनरिक नेम है ओमीप्रिजोल के नाम से, दवाएँ आम मार्केट में मिलती हैं 20 mg और 40 mg के डोजेजेस में। या तो आप 20 mg ट्वाइस डेली ले सकते हैं, दो दफ़ा दिन में, ये हमेशा खाने से पहले ली जाती हैं दवाएँ, हाफ एन आवर पहले, या फिर आप जो है वो 40 mg वंस भी ले सकते हैं, यानी रात खाने से आधा घंटा पहले। और दो हफ्ते इस्तेमाल के बावजूद अगर आपको कोई भी अलामत में बेहतरी महसूस नहीं होती है तो फिर आप टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट करवाया जाता है और मैदे में जरासीम देखे जाते हैं कि जरासीम का अगर फिर इलाज होता है, अगर जरासीम मौजूद होते हैं तो जरासीम के लिए एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना पड़ता है, और ये 10-14 डेज के कोर्स के बाद बहुत सारे लोगों को बेहतरी आ जाती है अलामतों में। तो बेसिकली जो है हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि उन्हें एसिडिटी हो जाती है या बाब्स आ रहे होते हैं, तो क्या ये ओवर ईटिंग की वजह से भी होता है? ओवरईटिंग एक बहुत कॉमन रीज़न है इसका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो दुबले भी होते हैं बेचारे और खाना भी कम खाते हैं और फिर भी ये प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। तो इसमें जो है ना, वो कभी कभी एक पैदाइशी तौर पर कुछ इस तरह होता है, उनका मैदा इस तरीके से होता है कि वो रिफ्लक्स डिजीज़ होती है उनको, यानी पेट का जो एसिड है वो मुँह की तरफ आता है। अनफॉर्चुनेटली इसके लिए कोई ऐसी रेमेडी नहीं है कि 100% क्योर हो जाए, लेकिन कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से, कुछ दवाओं से इसको कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। तो एच पायलोरी शायद इसकी बहुत बड़ी वजह है। यही मैं बात कर रही थी, एक्चुअली मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि लोग फिर बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर हर कोई डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर ने बता दिया था एच पायलोरी का टेस्ट है ना। तो जाहिर है कि दो हफ्ते में अगर मेडिसिन से ठीक नहीं होता तो यही मैं ब्लड टेस्ट की जो मैं बात कर रही थी कि एच पायलोरी का ब्लड टेस्ट कराया जाता है, एंडोस्कोपी और ब्रेथ टेस्ट यानी ब्रीदिंग का, सांस का टेस्ट भी इसके लिए किया जाता है। लेकिन ब्लड टेस्ट अगर पहले कभी नहीं हुआ आपका टेस्ट, आपने मेडिसिन नहीं लिया है, तो ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मुफीद मालूमात हमारे नाज़रीन को पहुँचाने का। नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट ओपीडी। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर, हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा इफ्तार की रौनकें। स्टे विद अस।